कर लेगा सर। एवरीवन डिवीजन मेकर आप लोगों को पता है, तो मैं आगे बोलूंगी। सबको पता है डिवीजन मेकर, नाबम, नाना, ओपम, आप लोग भी बोलो। ये जिंग बोको, आई डोंट नो वो नया है कि न्यू, आई थिंक न्यू। ओके डोंट, देख लो होगा ये डिवीजन मेथड। ओके चलो फिर भी मैं एक बार रिविजन कर देता हूँ, किसी को अगर नहीं आता है तो जस्ट डिवीजन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग खुद कर लेना। ओके देखो डिवीजन मेथड क्या होता है, अगर तीन नंबर दिया हुआ है 36, 48 एंड 98, ओके हम लोग को इसमें से पहले दो नंबर का डिवीजन मेथड करो, तो 48 को ना पहले 36 से करो। ओके ये एचसीएफ है, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। ओके डिवीजन मेथड, अगर 36 को 48 से करते हैं तो 36 वन जा 36, 8 से 6 जाएगा 2, 4 से 3 जा 1, 12। अब ये 12 निकला है, जो रिमाइंडर निकला है ना उससे फिर इसका डिवीजन को डिवाइड करो, 36 को कर लो, तो 12 3 जा 36, जब तक कैंसिल आउट नहीं हो करते रहना। व्हाट इट, तो मेरा कितना आया लास्ट में 12 आया, दैट मीन ये मेरा एचसीएफ है, पर ये एचसीएफ किसका है मेरा, ये दो नंबर का। अब जो बचा है थर्ड नंबर, ये 12 जो आया है इसका एचसीएफ ये दोनों नंबर का, उससे फिर 98 को करो, तो 98 को फिर क्या करेंगे हम लोग, 12 से करेंगे। ठीक है 12 8 का कितना होता है 96, ठीक है 8 से 6 गया 2, सही है 12 8 96, 8 से 6 गया 2। अब 2 जो रिमाइंडर निकला उसे किसको करेंगे, इसका डिवीजन को 12, 2 6 द 12 कैंसिल आउट, दैट मीन हमारा ये तीनों नंबर का एचसीएफ क्या है मेरा 2। आया सबको समझ में, जो लास्ट में बचता है डिविजर वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। एवरीवन सबको समझ में आया, आप लोगों को किसी को नहीं समझ में आया तो रिप्लाई करना, हाँ शर्म मत करना पूछने के लिए। बढ़ो आगे में, ओके नेक्स्ट में आ जाओ। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ये आता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन आता है आप लोगों को। तो देखो अगर किसी फ्रैक्शन का ना हमको एचसीएफ करना है, इसके दो फॉर्मूला है, अगर किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन तो फॉर्मूला क्या है आपका, इसका क्या करो, एचसीएफ करो आप न्यूमरेटर का, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। किसी फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन बोले तो एक्स बाय वाई, वेयर एक्स इज न्यूमरेटर और वाई इज डिनोमिनेटर। ओके तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन का, ठीक है ना, क्या चीज हो गया एलसीएम। देन नंबर टू एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन का हमको एलसीएम करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ओके एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, समझ में आया है किसी को। चलो एक एग्जांपल दे लेते हैं, ये फॉर्मूला लिख लिया, ठीक ना। ओके अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मान लो को घुमा दिया, क्वेश्चन दे दिया फाइंड द एलसीएम एंड
HCF of 3.5 and 2.25. सकोगे इसको? Find the LCM and HCF of 3.5 and 2.25. This is 2.25, 3.5. बोलो होगा इसका? नो प्रॉब्लम ताकि आप रिकॉर्डिंग बाद में देख के ना नोट कर लेना, आप क्लास में आ गया वही बहुत बड़ा बात है मेरे लिए. ओके, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी एक भी लेक्चर वो करो, मिस करो. जितना मैं दे सकता हूँ ले लो मेरे से आप लोग, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग जितना हो सब लोग सक्सेस हो यार. मिठाई तो खाने मिलेगा आप लोग से मुझे. ओके एवरीवन, चलो ये कर लोगे इसको बताओ. स्क्रीन को क्या हो गया? आई डोंट नो स्क्रीन को क्या हो गया. ये मोबाइल साइड नया लगा है, 3.5 एंड 2.25 है. अभी दिख रहा है? वेट, एक मिनट रुको. अब दिख रहा है? हाँ, इसको आप लोग करो एक बार. Find the LCM and HCF of 3.5 and 2.25. By using that formula, two formula. तो इसको देखो हम कैसे करेगा. पहले क्या करो, 3.5 इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना हो जाएगा? 35/10. ओके, दूसरा क्या है? 2.25 इसका क्या हो जाएगा? 225/100. ओके, बिकॉज पॉइंट के बाद दो नंबर है, दैट मीन दो जीरो. पॉइंट के बाद एक नंबर, ये तो समझ में आता है. तो हम लोग को किसका एलसीएम सेव करना है? 35/10 एंड 225/100. गॉट इट? ये दोनों नंबर का करवा दो. तो अगर हम एलसीएम करते हैं, एलसीएम ऑफ 35/10 एंड 225/100, तो हमारा क्या था इसका फॉर्मूला? LCM of numerator and HCF of denominator. ये था ना फॉर्मूला हमारा LCM का. LCM का काम होगा तो LCM of numerator और HCF of denominator. ओके, तो अगर हम इसका करते हैं, LCM करो 35 और 225 कितना होगा? अगर हम LCM करते हैं 35 और 225 का, 5 से कर लो सीधा, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, देन 7 से कर लो, 7 1 जा 7, ये तो 7 जाएगा नहीं, 45. इसको डाय कर लो किससे? 15 से कर लो, 1 15 ये 45 से कर लो ना, 1 और 1, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है, डाय 45 से कर लो. तो कितना हो जाएगा? 45 × 5 कितना होगा? 45 × 5, 5 5 20 और 5 5 25, रिमेनिंग 2 5 20 225 हो गया. 225 को फिर किससे इंटू करो? 7 से कर दो, 7 5 35, 3 7 2 14, 3 17, 7 2 14 1 15, 1 5 7 5. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 5 7 5. निकला क्या सबका एलसीएम? सही किया है ना, गलत किया है? ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकला है न्यूमरेटर का. अब एचसीएफ करो डिनोमिनेटर का. तो एचसीएफ में किससे करेगा? 10 और 100. तो बाय डिवीजन में अगर हम करना चाहे एचसीएफ में,
तो टेन से करो, टेन से टेन, टेन जा 100, ये रह गई पे कैंसिल आउट हो गया, जबकि डिवीजन मेरा एचसीएफ बन जाता है, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा 10, ठीक है ना। तो इसका भी हम लोग का क्वेश्चन किस में था, डेसिमल में था, तो इसका ऑप्शन भी आपका डेसिमल में होगा, जबकि आंसर कितना होगा मेरा 157.5। बोलो सबको समझ में आया, ये एलसीएम है ना, सारा समझ में आपको एवरीवन। ओके चलो अब एचसीएफ निकालो आप लोग, अब ये एलसीएम क्या ना, हम एचसीएफ करो, एचसीएफ बताओ कितना होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, चलो इसको निकाल के बताओ तो आंसर कितना होगा। अगर हम एचसीएफ करते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 225 35, दैट मीन डिवीजन मेथड कर लो फिर, 225 को 35 से डिवाइड करो, 35 7 जा कितना होता है, 7 से नहीं होगा, 6 से करके देखो, 6 5 जा 30, 3 6 3 जा 18, 19 20 21 210, दैट मीन 35 6 जा 210। ओके दैट मीन 5 2 से 1 गया 1, 15 हो गया। अब 15 से किसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 35 को करो, 15 2 जा 30 कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब जो 5 रिमाइंडर है उसे फिर 15 को करो, 5 3 जा 15। ओके तो ये एचसीएफ क्या है, मेरा एचसीएफ 5, एचसीएफ इज 5। ये इजी मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, इससे डिवीजन मेथड ना सबसे बेस्ट मेथड है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। अभी एलसीएम और डिनोमिनेटर का निकाल लो, अगर हम एलसीएम करते हैं डिनोमिनेटर का 10 और 100 का, तो क्या होगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 10, 10 जा 100। ओके फिर 10 से 1 1 दैट मीन 100, तो हमारा क्या आएगा 100, तो एलसीएम कितना आया मेरा 100 आ गया। ओके दैट मीन इसका आंसर क्या होगा, 0.05, ये मेरा आंसर होगा। आया समझ में सबको, ओके चलो अब नेक्स्ट लिख लो, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर एंड देयर प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है कभी कभी, एंड देयर प्रोडक्ट। ओके तो ये रिलेशन क्या रिलेशन है इन दोनों का, तो रिलेशन क्या है, देखो इसका क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर, दो नंबर है तो दो नंबर में एक नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है, इक्वल टू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू, ये रिलेशन है मेरा। ओके फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर, आया समझ में ये। इसमें क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आपको एचसीएफ दो नंबर का दे देगा, एलसीएम दो नंबर का दे देगा, एक नंबर दोनों से एक नंबर को ही दे देगा, दूसरा नंबर को फाइंड आउट करोगे। ओके तब हमारा ये फॉर्मूला यूज करना है, समझ में आया सबको। एवरीवन
चलो इसका एक क्वेश्चन ढूंढ देता हूं मैं। इसका अगला क्वेश्चन इस तरह का आ गया। देखो यही इलेक्शन पे ना अगर क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 210 इफ देयर एचसीएफ इज 35 एंड वन ऑफ द नंबर इज 105 फाइंड द अदर नंबर। चलो इसका आंसर बताओ तो फाइंड द अदर नंबर। चलो इसका आंसर बताओ फिर इक्वेशन से निकाल के। क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 210 if their HCF is 35 and one of the number is 105, find the other number. कितना होगा आंसर? रखोगे इसका? टीएन कितना होगा? निकल गया। सेवन थर्टी फाइव आया है सर। रॉन्ग। सेवन थर्टी फाइव नहीं होगा। और किसी का? वेरी गुड उपंग, 70 इज द राइट आंसर। देखो कैसे करेगा, यहाँ पे क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 210, देन दैट मीन ये 210 ये एलसीएम हो गया। ओके इफ देयर एचसीएफ इज 35, ये 35 एचसीएफ हो गया। ओके इक्वल टू वन ऑफ द नंबर इज 105, एक नंबर 105 हो गया इनटू दूसरा नंबर हम लोग मान के चलो एक्स ले ले, समझो दूसरा नंबर हमने एक्स ले लिया, पहले एक नंबर दे दिया 105 और हम लोग को एस सी एफ दे दिया आपका 35 और एल सी एम 200। इसको सोल्व कर लो, तो इसको कैसे करेगा, एक्स इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई में इधर से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन 35 इनटू 210 डिवाइडेड बाय 105 होगा। अब किससे करेगा हम लोग, अगर हम लोग 35 थ्री से कितना होता है, 35 से 15, 3 से 9 110, दैट मीन 35 वन जा 35, 35 थ्री जा ये हो गया आपका, ठीक है ना, कट गया ठीक है, क्योंकि 105 को 35 से डिवाइड करो तो 3 से डिवाइड हो जाता है, देन 3 वन जा 3, 3 सेवन जा 21, 0, दैट मीन आंसर इज अदर नंबर इज 70। आया समझ में सबको?
यस 105 है, मेरा राइटिंग थोड़ा 105 का, ठीक है ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में, ओके। चलो अगर इसी क्वेश्चन को ना अगर ऐसा दे रहे, मान लीजिए सेम टाइप क्वेश्चन ना, अगर सेम टाइम क्वेश्चन को दे दिया, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 इफ देयर एचसीएफ इज 33, सॉरी इफ देयर एचसीएफ इज 4 देन देयर एलसीएम इज, देन देयर एलसीएम इज, चलो इसको फाइंड करो। तो एवरीवन ट्राई करो, ऑप्शन इज, तो ऑप्शन है 48, बी ऑप्शन इज 42, सी ऑप्शन इज 36 एंड डी ऑप्शन इज 24। चलो करो तो इसको, वेरी गुड टीएल, 48 इज द आंसर, सबका आया 48। ओपांग यस 48, तब आपका आया 48। सिंपल है ना, रेशियो को कैसे लेते हैं हम लोग, एक्स लेके कर लो, तो अगर हम एक्स लेके करते हैं मान लो, तो मेरा क्या हो जा रहा 3x, समझ में आ गया हमको क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है ना, थ्री दो नंबर ले लो, एक हो गया 3x, ऐसे लिख लो, लेट द टू नंबर बी 3x एंड 4x, समझ में आ गया 3x और 4x। अब इन दोनों का एचसीएफ तो आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया, आपको दोनों का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताओ। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 3x into 4x is equal to 4 into LCM, LCM ही फाइंड करना है ना दोनों का, तो LCM, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे करोगे बताओ, LCM is equal to 3x into 4x by 4 होगा, 3x into 4x by 4, आप कैसे करेंगे बताओ हमको, बोलो ये दोनों का आप क्या करो, एचसीएम निकालो। देखो सर कैसे करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे ना सिंपल वे में बताऊंगा मैं, ये दो नंबर है ठीक है ना, हमारा एचसीएम तो 4 दिया है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो ये दो नंबर है मेरा 3x और 4x, समझ में आ गया, अब ये 3 और 4x, तो दोनों नंबर का सिंस HCF is equal to, HCF कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये दोनों नंबर का, तो किसका किसका दिया हुआ है 3x और 4x का HCF कितना दिया हुआ है
फोर दिए कि नहीं दिए, कैसे किया आप लोग बता दो। बोलो हाँ एक्स का वैल्यू फोर ही होगा ना यहाँ पे, क्योंकि एस सी एफ क्या है दोनों नंबर का फोर दिया है, तो एस सी एफ ऑफ टू नंबर, ठीक है ना, दैट मीन हमारा एक्स क्या हो जाएगा फोर ही होगा, दोनों नंबर का एस सी एफ क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, तो इसमें इंटू कर लो सीधा, तो कितना होगा थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड फोर थ्री जा, ऐसा होगा क्या? अगर मेरा एक्स अगर फोर आता है तो ऐसा होगा, तो अगर हम लोग करते हैं एक्स फोर आ गया तो थ्री एक्स कितना हो जाएगा ट्वेल्व एंड फोर इंटू फोर सिक्सटीन, ये दोनों का एलसीएम निकाल लो, फोर से करो फोर थ्री जा ट्वेल्व फोर फोर जा सिक्सटीन, फिर फोर से करो कितना हो जाएगा थ्री वन, देन थ्री से करो वन वन, फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, आया समझ में सबको? हाँ हाँ सही है, टीएम एक्स का वैल्यू फोर हो जाएगा, तुम्हारा क्या कि एस सी है दो नंबर का वो लेके जाओ, तो हमारा क्या आया देखो फोर्टी एट आ गया, देखो यहाँ पे तब देखो दो नंबर है, दो नंबर को हम लोग थ्री और फोर दिया, थ्री टू फोर दिया, हम लोग इसको थ्री एक्स एंड फोर एक्स ले गया दो नंबर का, अभी ये दोनों का एस सी एफ आपको फोर दिया हुआ है, समझ में आ गया? हम लोग को ना एस सी एफ ऑफ थ्री एक्स एंड फोर एक्स इक्वल टू, समझ में आ गया, दोनों नंबर का कितना दिया हुआ है फोर दिया, ठीक है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों नंबर का एस सी एफ फोर है, दैट मीन हमारा एक्स क्या हो जाएगा फोर ही होगा ना, एक्स को होगा कि नहीं होगा बोलो, कैसे एक्स फोर होगा? तो देखो अगर आप थ्री एक्स और फोर एक्स का एस सी एफ निकालो, समझो थ्री एक्स और फोर एक्स का एस सी एफ निकालो, एस सी एफ और थ्री एक्स देखो यहाँ समझो ना कैसे करेंगे, एस सी एफ अगर हम थ्री एक्स का और फोर एक्स का निकालते हैं, ठीक है ना, तो थ्री एक्स और फोर एक्स का क्या होगा हमारा एस सी एफ, थ्री एक्स का फैक्टर करो, थ्री एक्स का कितना होता है थ्री इंटू एक्स, फोर एक्स का क्या होगा हमारा फोर इंटू एक्स, दोनों में को क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, जो कॉमन होता है वही मेरा एस सी एफ होता है, दैट मीन हमारा एस सी एफ क्या हो गया एक्स हो गया, मगर हम लोग क्वेश्चन में एस सी एफ, बट एस सी एफ हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है फोर, दैट मीन अगर दोनों इक्वेशन मिलाएगा तो एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा इक्वल होगा, दैट मीन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया फोर हो गया, अभी आया समझ में? नहीं वैसे भी कर सकते हैं लेकिन ये मेथड तुम्हारा इजी है, इसमें क्या करना सीधा दो नंबर का एस सी एफ, अगर हम लोग लेट करके दोनों नंबर ये लेता है, ये दोनों का एस सी एफ करो, ये दोनों का एस सी एफ कितना आ रहा है मतलब एक्स आ रहा, समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन में क्या दिया होगा दोनों का नंबर का एस सी एफ फोर है, बट एस सी एफ इज इक्वल टू फोर, दैट मीन क्या होगा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा फोर, अभी फोर का वैल्यू डाल दो दोनों में एक्स का जगह, तो अभी निकाल लो फिर दोनों का एल सी एफ निकल जाएगा, कहा समझ में आया अभी आपको? चलो एक अलग क्वेश्चन करके देखो इसी का और अच्छा समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन है टू द रेशियो ऑफ टू नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज फाइव इज टू सिक्स एंड देयर एलसीएम
is 480, then their SCF is क्या होगा? A option is 20, B option is 16, C option is 6 and D option is 5. तो देखो करके देखो, तो यहाँ पे पहले क्या था, SCF दिया था, अभी दोनों का LCM दिया हुआ है, बोलो कैसे करेगा? करके देखो तुम, बताओ कि ये कितना होगा? पहले दोनों नंबर निकालो, हाँ ये रेशियो में दिया हुआ है, हमको दोनों नंबर को निकालना है। तब देखो एक बार समझ लो आप कैसे करते हैं। लेट द टू नंबर बी, अच्छा समझ लो, ये 5x एंड 6x हो गया, हम लोग दोनों नंबर को क्या ले लिया, 5x और 6x ले लिया, ठीक है ना। अब दोनों का एलसीएम क्या क्या दिया हुआ है, देखो दोनों का क्या दिया है, एलसीएम इज 480 दिया हुआ है। तो हम लोग ने ये दोनों नंबर का पहले एलसीएम निकाल के देखो, अगर हम 5x और 6x का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कैसे करेगा, इसको करो पहले 5 से करो, 5 बन जा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, x होगा, क्यू एक्स डाला यहाँ पे, 5 इंटू एक्स क्या होगा, 5x हो जाता है, ठीक है। अब 6 में तो 6x ही होगा क्योंकि 5 बन 5 में 6 नहीं आता। देन अभी 6 से करके देखो, तो यहाँ पे x और यहाँ पे 6 बन जाओ, 6 होता है, तो 6x, क्यों x डाला यहाँ पे मैंने, क्योंकि 6 into x क्या होगा, 6x हो गया, आया समझ में? अब देखो आप किससे जाएगा, x से, x बन जाए x, x बन जाए x, ठीक है ना। तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 30x, ये आया समझ में सबको, 5x और 6x का, यहाँ पे x इसलिए डाला कि 5 इंटू एक्स 5x ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को निकला है ना एलसीएम ऑफ 5x एंड 6x इज इक्वल टू 30x, ठीक है ना, समझ में आ गया। मगर दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है, पर दोनों का एलसीएम दिया हुआ है आपका 480, समझ में आ गया। एलसीएम ऑफ 5x एंड 6x, 6x कितना दिया हुआ, 480 दिया हुआ, दैट मीन ये दोनों हमारा सेम चीज है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, देयरफॉर 30x इज इक्वल टू 480, लिख सकता है हम इसको, हमारा दोनों का एलसीएम इतना निकला है लेकिन दिया हुआ है मेरा 480, ठीक है ना। तो 30x इज इक्वल टू 480, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। ये जीरो जीरो कट गया, 3 1 3 3 1 3 1 8 3 6 8, तो x का वैल्यू कितना निकला मेरा, 60 निकल गया कि नहीं निकल गया, ओके। अब दोनों नंबर क्या होगा, देयरफॉर द टू नंबर आर, दोनों नंबर क्या हो जाएगा मेरा, एक 5x है तो 5 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 80, और दूसरा नंबर ऐसा लिखो द फर्स्ट नंबर, फिर सेकेंड नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू 3 6x है तो 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 6 6 36 96 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो दोनों नंबर क्या है मेरा, 80 और 96, आया समझ में सबको, ये पार्ट समझ में आ गया। हम लोग दोनों नंबर पहले फाइंड आउट करेंगे,
ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब हम लोग फॉर्मूला में जाओ। फॉर्मूला क्या है मेरा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ बोथ नंबर इंटू एल सी एम ऑफ बोथ नंबर। समझ में आ गया, ये मेरा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे हम, हमको क्या निकालना है, एस सी एम निकालना है। एस सी एम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एल सी एम को इधर भेजना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस सी एफ, हमको क्या क्वेश्चन में पूछा था, एस सी एम पूछा था, एल सी एम पूछा था, एस सी एफ पूछा था। तो एस सी एफ ऑफ बोथ नंबर इसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 80 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 96 डिवाइडेड बाय एलसीएम, एलसीएम दोनों का कितना है मेरा, एलसीएम इधर आ जाएगा, एलसीएम कितना दिया दोनों का 480 दिया हुआ। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट कर, कितना होगा कैलकुलेट करने से, ये जीरो है, जीरो कट गया, एट वन जाए एट, एट सिक्स जा 48, ठीक है। फिर सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स सिक्स जा 36, तो कितना होगा 16 हो रहा क्या आंसर, आंसर क्या हो जाएगा 16, 16 आएगा किसी का यहाँ पे, ओपन समझ में आया ये। जब भी रेशियो देते हैं ना तो सबसे पहले नंबर को निकालो, क्योंकि तो रेशियो का हम लोग को एक्स या कोई वेरिएबल लेके करना पड़ता है। फिर समझाएगा क्या, किसी को डाउट है, एनीवन, सर कंफ्यूज है। देखो क्या करो, देखो आपको, आपको ना सबसे पहले क्या है, देखो चलो मैं कर, देखो ये तो पहले समझ लो। मान लो अगर कोई रेशियो में दिया हुआ है, दो नंबर दिया है 5:3, समझ लो ठीक है ना, हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशियो को कॉमन रेशियो एक्स लेके करते हैं। ये दो नंबर है जो रेशियो में दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको रेशियो में ले लिया तो क्या हो जाएगा मेरा, 5x और 6x दोनों नंबर हो जाएगा। अब ये एक्स में है तो हमको दोनों नंबर पता नहीं, अभी हमको एक्स का वैल्यू निकालते हुए फिर दोनों का निकालना पड़ेगा, नंबर निकालना पड़ेगा। अब अगर मान के चलो इन दोनों का एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी दे दिया, मान के चलो आपको एलसीएम दे दिया या एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ दे दिया मेरा 20, समझे एक बार, एचसीएफ दे दिया मान के चलो मेरा 20, ये दोनों नंबर ले लिया हमने एचसीएफ 20, तभी इन दोनों का जो चीज दिया होता है ना वो इन दोनों का निकालो। अगर हम 5x और 6x का एचसीएफ निकालते हैं तो मेरा क्या निकलेगा, एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, तो 5x का फैक्टर निकालो क्या हो जाएगा 5 × x, 6x का कॉमन फैक्टर निकालो 6 × x, दोनों में कॉमन क्या है x और x, तो हमारा क्या आया x आया कि नहीं आया एचसीएफ, जब हम लोग दोनों का एचसीएफ किया है तो मेरा x आ गया, मगर एचसीएफ मेरा 20 दिया हुआ, एचसीएफ मेरा मेरा कितना आया एचसीएफ x आया और दिया हुआ है, बट एचसीएफ कितना दिया 20 दिया, दैट मीन अगर लेफ्ट हैंड से अगर ये दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन वन को इक्वेशन टू दोनों को कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, दैट मीन एक्स का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा 20 निकल गया मेरा, आया समझ में अभी, अभी जब एक्स का वैल्यू 20 निकल गया तो इसमें डाल दो, अभी इसमें अगर डालते हैं हम ना तो 20 × 5 पहला नंबर, ये दोनों नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 5x है, तो दैट मीन 5 × 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा मेरा, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर 6x, दैट मीन 6 × 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर मिल गया हमको, अब आपका फॉर्मूला निकालो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दैट मीन फर्स्ट नंबर मेरा क्या था 100 इंटू सेकेंड नंबर 120 निकला है, इसके टू एचसीएफ मेरा कितना दिया हुआ है 20 इंटू एलसीएम, अभी एलसीएम निकल देगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम इक्वल टू 100 इंटू 120, ये 20 इंटू में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, अब कर लो कट गया ये 2 1 2 2 6 12, तो एलसीएम कितना निकल गया मेरा 100 इंटू 6
600 ऐसे निकालते हैं। आया समझ में अभी? नवम कभी भी रेशियो में देते हैं ना, पहले उसको एक्स में लो, फिर देखो उसमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ना उसे कंपेयर करो, फिर एक्स का वैल्यू निकाल दो। जब एक्स का वैल्यू निकल लेगा तो उसको उसमें डाल के और नंबर को पहले फाइंड आउट करो। ये 5x और 6x तो वेरिएबल में है ना, इसको नंबर एग्जैक्ट नंबर क्या है दोनों, फिर उधर नंबर को डाल के फिर फॉर्मूला के थ्रू निकाल। ओके चलो ये क्वेश्चन को फिर मैं रिपीट कराऊंगा कल, क्योंकि कल ये क्वेश्चन उन लोगों को भी बताना है। ओके एवरीवन, सेकंड कोई नहीं, फिर इसको कल रिपीट करेंगे हम। और कल मैंने बताया ना, कल मर्ज क्लास होगा शायद माइक पे, तो कल फिर बैठ जाना, कल टाइमिंग आप लोगों को ग्रुप में सारा भी भेज देगा होगा। ओके अभी ये उनका डिसीजन है, आप लोग ग्रुप में भेजो, मैं तो नहीं बोल सकता ना इसको। देख लेते हैं, उसमें भी कमी बच्चा है, दैट नॉट द इशू। हाँ जो आप लोग का चैप्टर हो गया, जो आप लोग का नहीं हुआ वही मैं उन लोग को कराऊंगा, रिपीट नहीं होगा कोई भी चैप्टर आप लोग को। हाँ या सेकंड मिला था आपका आंसर, सब सब सही है। कल का होमवर्क कोई नहीं भेजा हमको, सिर्फ टेकन भेजा है, टेकन का एक होमवर्क आया था। आप लोग किया अलग लोग? वाह गुड एक्सक्यूज, हम आंसर नहीं भेजे, आप भेज के देखना था ना, आंसर तो हम भेज देगा। ओके हम आज देखते हैं, आज होगा तो हम भेज देगा। ओके ओके नो देन इशू, चलो ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, कल करते हैं प्री क्लास, टाइमिंग आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है।